क्या डायबिटीज में खाएं पपीता, कोई मुझे बतला दो ना, कहीं शुगर लेवल बढ़ ना जाए, कोई मुझे समझा दो ना। आजकल बहुत से डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट डायबिटीज रोग में पपीता यानी पपाया खाने की मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना या कहना होता है कि पका हुआ पपीता बहुत मीठा होता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। अब डायबिटिक पेशेंट को पपीता खाना चाहिए या पपीता नहीं खाना चाहिए, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम पपीते की न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, पपीते में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। 100 ग्राम पपीते में लगभग 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और एक दिन में हमें 90 से 100 मिलीग्राम विटामिन सी की ही जरूरत होती है। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी पावर यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होती चली जाती है, पर पपीता उसे मेंटेन कर सकता है। सेकंड पॉइंट, डायबिटिक पेशेंट में इन्फ्लेमेशन के कारण किडनी रोग होना, हार्ट प्रॉब्लम होना या ऐसी और भी समस्याएं हो सकती हैं। पपीते में प्रोटियोलाइटिक नाम का एंजाइम और कैरोटीनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इन्फ्लेमेशन को या तो होने नहीं देता या इन्फ्लेमेशन हो जाने पर उसे कम करने में मदद करता है। इसलिए डायबिटीज रोग में पपीते का सेवन करने से हार्ट प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रोग पर। उससे पहले एक खास बात, अगर आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी या किसी भी बीमारी के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप पर अपनी बीमारी डिटेल में लिखकर मैसेज सेंड करें, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियो जरूर देखें, जिनका लिंक या तो ऊपर आई बटन में होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है। पपीते में पेपेन नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो डाइजेशन यानी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए पपीते का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रोग दूर हो जाता है। तो यहां तक हमने बात की पपीते के फायदे के बारे में। अब किसी भी चीज को डायबिटीज रोग में यूज कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते, कुछ लोग इसके लिए उस चीज का ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं। तो चलिए पपीते का ग्लाइसेमिक लोड जानते हैं कि कितना होता है। पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 यानी 60, और 100 ग्राम पपीते में लगभग 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ग्लाइसेमिक लोड इक्वल्स टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई में कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। तो पपीते का ग्लाइसेमिक लोड आएगा 6, जो कम है, माने लो ग्लाइसेमिक लोड है। इसलिए अब आप पपीते की केवल मिठास ना देखें, इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन होने के साथ साथ पपीते का ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। इसलिए मौसम में जब जब पपीता मिले, तब तब डायबिटिक पेशेंट को 100 से 200 ग्राम पपीता जरूर खाना चाहिए। हाँ, आप एक बात याद रखें, 12 महीना किसी भी चीज को या किसी भी फल को या किसी भी सब्जी को कभी ना खाएं। मौसम में मिलने वाली चीजों को जरूर खाएं, डायबिटीज मुक्त रहें, स्वस्थ जीवन जिएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन और बहुत सी नॉलेज मिली होगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज़ मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।